हेलो, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और डरावनी व्हाट्सएप स्टोरी में। एंड आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है ये वाला, लाइक तुम लोग मेरे को इतने टाइम से बोल रहे हो, बट मैं क्या करूं, टाइम लगता है ये वाले वीडियो बनाने में। बट लेट आ रहा है तो क्या हुआ, जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक होने वाला है। तो मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे देता हूँ कि हाँ, अगर तुम्हारा दिल ऐसा मेरी तरह कड़क है तभी देखना इस वीडियो को, नहीं तो तुम जा सकते हो। जो कि मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली जाना नहीं है तुम्हें, ठीक है। बैठ के देखो। ओके, सो अभी रात का टाइम हो रहा है एंड ऋषि ने अंजलि को मैसेज किया हुआ है। अंजलि, क्या तुम्हें पता है रोहन कहाँ है? कल से ना ही कॉल पिक कर रहा है और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। एंड इस पे अंजलि रिप्लाई करती है, नहीं मेरी भी लास्ट उससे परसों ही बात हुई है, तब से मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ हुआ है क्या उसे? ये रोहन किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, व्हाट द हेल, यही तो नहीं है भूत? ऋषि, हाँ लालच आ गया है उसके अंदर, पैसों के लिए दोस्ती तोड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कोई बंदा इतना कैसे गिर सकता है। ओ, कुछ पैसों का मैटर है आई गेस। एंड इस पे अंजलि पूछती है, क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया रोहन ने? ऋषि, तुम्हें वो भूत बंगला तो पता होगा ना जो शहर के छोर पर है? ओके, अंजलि, वही क्या जहाँ कुछ सालों पहले 3 लोगों की लाश मिली थी? वे, ये ऐसे भूत बंगले की बात क्यों कर रहे हैं? एंड इस पर ऋषि लिखता है, हाँ वही, अभी वहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो मैंने और रोहन ने डिसाइड किया था कि हम उस भूत बंगले में जाएंगे। बट क्यों, व्हाट द हेल, तुम्हें मौत आ रही है? ऐसी जगहों पे जाना होता है इन सब लोगों को, है? और फिर आगे और लिखता है, और अगर हमें कुछ वहाँ कीमती चीज मिलती है तो उसे बेचकर पैसे आधे आधे कर लेंगे। भाई प्लान देख रहे हो, वहाँ पे भूत मिलेगा तुम्हें खा जाएगा। एंड इस पे अंजलि लिखती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? लोग कहते हैं उस बंगले में एक चुड़ैल रहती है। What? भाई लिटरली अभी रात हो रखी है, मैं ये सब पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, और जो भी उधर जाता है वो चुड़ैल उसको मारकर ही सांस लेती है। शिट भाई, ये सब नहीं बोलना चाहिए था अभी। गई मेरी नींद। एंड इस पे ऋषि लिखता है, अरे ये तो बस कहने की बातें हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। अंजलि, तुम्हें तो सब मजाक ही लगता है। अरे तुम आगे की बात सुनो ना। अंजलि, हाँ बोलो। तो हम उस दिन रात के 9 बजे वहाँ गए और हमने साथ में वो पूरी हवेली छान मारी, लेकिन जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमें वहाँ एक कमरे की ओपनिंग दिखाई दी जो बड़े से पत्थर से ढकी हुई थी। व्हाट, इन्हें कुछ ऐसा खजाना वजाना मिल गया क्या? इस पे अंजलि लिखती है, फिर तो हमने सोचा अगर इतना चेक किया ही है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। और फिर जब हमने उस कमरे को चेक किया तो हमें उधर कुछ सोने के गहने मिले। ओके, सो गहने मतलब लाइक ज्वेलरी, ऐसा सोने की। तो हमने डिसाइड किया था कि इनको बेच कर पैसे आधे आधे कर लेंगे, बट अभी ये बंदा ना ही कॉल उठा रहा है ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। भाई ज्यादा ऐसा गहने वहने थे क्या? मतलब रोहन का ईमान ही पलट गया। उसने कहा अकेले बेचूंगा, अकेले खाऊंगा सारे पैसे। एंड इस पे अंजलि लिखती है, तुम लोगों को डर नहीं लगता ये सब करने में? ऋषि, अरे वो सब छोड़ो, ये रोहन पता नहीं कहाँ चला गया है वो गहने लेकर, तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। ओके, सो इस पे अंजलि लिखती है, तुम उसके घर क्यों नहीं जाते? गया था बट वो वहाँ भी नहीं मिला। भाई सीरियसली, अब तो ये भाग गया मेरे को लग रहा है। मुझे शक है कि वो पूरे पैसे खुद रखना चाहता है, इसीलिए कॉल भी नहीं उठा रहा। गलती हो गई, उसको सारे गहने रखने को दे दिए। अंजलि, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, ये भी तो हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। तुम वेट करो थोड़ा, रोहन तुम्हें खुद ही कॉल कर लेगा। एंड इस पे ऋषि लिखता है, ठीक है बस थोड़ा और वेट कर रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर मुझे अपने तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी। व्हाट भाई, मर्डरर है क्या ये? व्हाट द हेल, ऐसे क्या बोल रहा है भाई? देखो, पुलिस को बता नहीं सकता ये, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा चोरी का ही है, मतलब एक तरीके से, नहीं तो पुलिस ले लेगी। बाकी फिर क्या ही कर सकता है अपने तरीके से, भाई गलत लग रहा है मेरे को ये। अंजलि, हाँ हाँ ठीक है, रोहन तुम्हारा बचपन का दोस्त है, भरोसा रखो उस पर। ऋषि, हाँ वो तो है, लेकिन ये भूत बंगले की स्टोरी क्या है तुम्हें कुछ पता है? एंड इस पे अंजलि लिखती है, हाँ, लोग कहते हैं बहुत सालों पहले वहाँ एक अमीर जमींदार रहा करता था, उसकी एक सुंदर सी बीवी थी, लेकिन एक दिन डाकुओं ने उस बंगले पर हमला कर दिया। जमींदार को जैसे ही ये पता लगा, उसने अपनी सारी संपत्ति और बीवी को एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया। उसने मरते मरते भी डाकुओं को नहीं बताया कि सारा सोना किधर है। जमींदार की बीवी उसी कमरे में उसका इंतजार करती रही और वहीं मर गई। लोग कहते हैं आज भी वह उसका
इंतजार कर रही है। भाई कितना क्रीपी है, व्हाट द हेल। और जो भी उस हवेली में बिना इजाजत के घुसता है वो उसकी जान ले लेती है। यप, लाइक जैसे वो डाकू घुस गए थे, मतलब तो अभी जो भी घुसता है वो उसको डाकू समझ के मार देती है। एंड वो अभी भी वेट कर रही है अपने पति का। ओके, सो ऋषि इस पे हंसने के इमोजी भेज रहे हैं। कहानी तो अच्छी है, कौन सी मूवी से उठाई हुई है। अंजलि, यार तुम्हें सब मजाक ही लगता है। ऋषि, अच्छा तो ये सीरियस है। हाँ, एक तो तुम लोग उस बंगले में चले गए, ऊपर से वहां से उस चुड़ैल के गहने लेकर आए हो। एंड इस पे ऋषि बोलता है, वहां पड़े पड़े क्या फायदा होता, इसीलिए हम ले आए। ऋषि, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। ऋषि, यार सब सही है, बाकी सब ये चुड़ैल वुडैल कुछ नहीं होता। अंजलि, फिर भी मेरी बात मानो तो वो सारे गहने वहीं रखा हो तुम लोग। एंड इस पे ऋषि लिखता है, यार तू भी ना, तू सही में ये सारी चीजें मानती है। अंजलि, मैंने कभी अपनी आंखों से तो नहीं देखा, बट फिर भी डर तो लगता ही है। एंड इस पे ऋषि लिखता है, डरने की कोई बात नहीं है, चल मैं तुझे बाद में मैसेज करता हूँ, अभी रोहन के घर जा रहा हूँ फिर से। एंड इस पे अंजलि लिखती है, ठीक है ऋषि, और हाँ अगर रोहन का मैसेज आए तो मुझे बता दियो। ओके सो अभी तक मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली स्टोरी में होने क्या वाला है, बट भाई इंटरेस्टिंग लग रही है सीरियसली। बिकॉज इसमें भूत बंगला है, वो इसका दोस्त गहने लेके कहीं चला गया है, एंड वो गहने चुड़ैल के हैं, व्हाट द हेल। अब मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन वो तो स्टोरी देख के पता लगेगा। बट सीरियसली ये पहली स्टोरी है जिसमें मैं सोच नहीं पा रहा हूँ आगे क्या हो सकता है, समझ रहे हो तुम। ओके, सो कुछ दिनों बाद रोहन का ऋषि को मैसेज आता है, हेलो ऋषि। एंड ऋषि लिखता है, हेलो कहाँ है भाई, मैं इतने दिनों से तुझे मैसेज और कॉल कर रहा हूँ, तू रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। एंड इस पे रोहन लिखता है, अरे वो माँ की तबीयत खराब थी इसीलिए गाँव गया था, और तुझे गाँव में नेटवर्क का तो पता ही है ना, कितना भी ट्राई करो आते ही नहीं। ओके, ये थोड़ा सही सा रीजन लग रहा है गेस, बट पता नहीं भाई झूठ बोल रहा हूँ क्या पता। एंड इस पे ऋषि लिखता है, ओ अच्छा माँ कैसी है अभी। अभी तो ठीक है काफी। ऋषि, और वो गहने तेरे पास ही है ना जो हम लोग उस भूत बंगले से लेके आए थे। एंड इस पे रोहन लिखता है, नहीं यार वो तो मैंने बेच दिए। व्हाट, ये क्या है। ऋषि, व्हाट, बट हम लोगों ने डिसाइड किया था ना कि हम साथ में चलेंगे और जितना भी मिलेगा उसका आधा आधा कर लेंगे। ओके, सो इस पे रोहन लिखता है, हाँ ऋषि बट माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे इसीलिए बेचने पड़े। व्हाट द हेल, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये बहाने मार रहे हैं। लेट्स सी भाई आगे देखते हैं। ऋषि, यार मैं अब इस पर क्या ही बोलूं, फिर भी मुझे एक बारी बुला तो लेता। रोहन, तू एक काम कर, आज रात को मुझे उसी बंगले के पास मिल, जितने भी पैसे बचे हैं मैं लेकर आ जाता हूँ, अपन लोग वहीं आधे आधे कर लेंगे। भाई रोहन इसको मारने का प्लान तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि भाई पैसे के लिए अगर इतना कर सकता है तो फिर भाई क्या पता ऐसा ये बंदा कुछ ना कर पाए ऋषि, इसलिए रोहन पहले से कुछ करना चाह रहा है। ऋषि, ठीक है वहीं मिलते हैं। ओके, अभी भी लाइक मैं नहीं सोच पा रहा हूँ आगे क्या हो सकता है। भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार सीरियसली, लाइक ऐसा और स्टोरी मेरे को पता लग जाता है कि हाँ ये हो सकता है, बट इधर अभी भी मेरे को पता नहीं लग रहा है। ओके, सो कुछ मिनट बाद अंजलि का ऋषि को मैसेज आता है, हेलो ऋषि रोहन का कुछ पता चला। ऋषि, हाँ आज ही उसका मैसेज आया, बोल रहा था कि उसकी माँ बीमार थी इसीलिए गांव गया था। अंजलि, ओ अच्छा, मुझे तो अभी भी रिप्लाई नहीं किया उसने। व्हाट, मेरे को लग रहा है भाई ये रोहन की इंटेंशन सही नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, समझ रहे हो, उसने इसको मैसेज किया उसको नहीं किया, मतलब गांव से आया तो सबका रिप्लाई करेगा ना एक एक करके जिनका भी मैसेज आया है। ओके, सो इस पे ऋषि लिखता है, मुझे तो डाउट है कि वो झूठ बोल रहा है। अंजलि, क्या पता। ऋषि, आज मुझे उसने उसी बंगले के पास बुलाया है। अंजलि, क्या तुम लोग आज फिर से वहां जा रहे हो। हाँ जाना तो पड़ेगा ही। अंजलि, मुझे तो समझ नहीं आता तुम लोग बार बार इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। ऋषि, अरे कुछ नहीं होता, एक बार तो हम वैसे भी जाके आ चुके हैं और क्या ही होगा। अंजलि, ऋषि ये मजाक नहीं है, मेरी माँ से बात हुई आज, उन्होंने भी यही बोला कि उस बंगले में एक चुड़ैल रहती है। एंड इस पे ऋषि लिखता है, तुम्हारी माँ मिली है क्या कभी उस चुड़ैल से। भाई इसको मजाक ही सूझ रहा है भाई। अंजलि, तुम्हें अभी भी ये मजाक लग रहा है। एंड इस पे ऋषि लिखता है, देखो कुछ भी हो मुझे जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो सारे पैसे रोहन ही खा जाएगा। एंड इस पे अंजलि लिखती है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। एंड उसने ऐसा अंगूठा भी भेजा है, जो करना है कर भाई। अब लेट्स सी, आई गेस क्लाइमेक्स पास आ रहा है, या तो रोहन कुछ करेगा या तो वो चुड़ैल कुछ करेगी, या तो ये भी हो सकता है कि ऋषि कुछ प्लान कर ले उससे पहले। नहीं, ओके, सो यू ऑलमोस्ट मिड
नाइट का टाइम है, रात के 12 बजे के आसपास, एंड ऋषि रोहन को मैसेज कर रहा है, कहाँ है भाई, मैं इधर बंगले के पीछे ही खड़ा हूँ। रोहन, हाँ मैं अंदर ही हूँ। अंदर क्या कर रही है? एंड ऋषि भी पूछ रहा है, अंदर क्या कर रहे हैं? इधर पीछे की साइड आ जा। एंड इस पर रोहन लिखता है, भाई बाहर सेफ नहीं है, तू एक काम कर, मुझे उसी कमरे के पास मिल जहाँ से हमने वो गहने उठाए थे, तुझे डर तो नहीं लग रहा ना? भाई सब मजाक ही कर रहे हैं, मैं इधर सीरियस हो रहा हूँ, स्टोरी पढ़ पढ़ गया है। एंड इस पे ऋषि लिखता है, नहीं डर किस बात का, मैं आ रहा हूँ। ओके सो आई गेस ये अभी उस भूत बंगले के अंदर जा रहा है। भाई दोनों क्यों जा रहे हैं, बाहर कर लो ना, पैसे का लेन देन है, अंदर क्यों करना है? दोनों ही अपनी लाइफ ऐसा रिस्क में डाल रहे हैं। ओके सो कुछ मिनट बाद अंजलि का ऋषि को मैसेज आता है, हेलो ऋषि तुम ठीक तो हो ना, हेलो। एंड इस पे ऋषि लिखता है, हाँ क्या हुआ? अंजलि, ये तो मुझे पूछना चाहिए। ऋषि, क्यों, ऐसा क्या हो गया? अंजलि, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। एंड इस पे अंजलि रिप्लाई करती है, पुलिस का कॉल आया था अभी, वो बोल रहे थे कि उन्हें रोहन की लाश मिली है कब्रिस्तान के पास। व्हाट द हेल, ये क्या है भाई, ये नहीं सोचा था मैंने। एंड इस पे ऋषि लिखता है, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी अभी ही तो बात हुई है रोहन से, वही ना अभी 5 मिनट पहले बात हुई है, मतलब वो कोई दूसरा बंदा है। ओके सो इस पे अंजलि लिखती है, तुम कहाँ हो अभी? ऋषि, उसी भूत बंगले में, मुझे रोहन ने यहीं बुलाया था। भाई व्हाट द हेल, ये क्या ट्विस्ट है। ओके वेट, पहले मैं पूरी स्टोरी पढ़ लेता हूँ, एंड मेरे दिमाग को टाइम लगेगा इसको प्रोसेस होने में, मैं ये नहीं सोच रहा था यार। एंड फिर इस पे अंजलि लिखती है, ऋषि ये जरूर उस चुड़ैल ने किया है, और तुम्हें भी उसने ही वहाँ बुलाया है। यप, यही मेरे दिमाग में चल रहा है। ऋषि, क्या? हाँ तुम जल्दी से वहाँ से निकलो प्लीज। ऋषि, हेलो। एंड इसने फिर ऋषि को कॉल भी किया है, बट उसने कॉल पिक नहीं किया है। एंड फिर अगले ही दिन ऋषि की डेड बॉडी मिलती है उस हवेली में। एंड जब पुलिस वहाँ पे देखने गई तो वहाँ पे कोई कमरा भी नहीं था, लाइक जो इन लोगों को दिखा था, क्योंकि अंजलि ने पुलिस वालों को बताया होगा कि वो उस कमरे से गहने लेके आए थे, बट उनको वहाँ पे कमरा नहीं मिला। सीरियसली भाई, ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। लाइक तुम्हें समझ आ रहा है, रोहन जिस दिन से मिसिंग था वो उसी दिन मर गया था। उसके बाद जो मैसेज ऋषि को आए वो उस चुड़ैल ने किसी तरीके से किए हैं। एंड जो ऋषि को लग रहा था कि रोहन पैसे के लिए उसका कॉल या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो नहीं था एक्चुअली। रोहन जब वो गहने अपने घर पे लेके गया तभी उसको उस चुड़ैल ने मार दिया होगा, एंड इसीलिए वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, या फिर उसने उस चुड़ैल को वहां बुलाया एंड उसको भी मार दिया। भाई शिट, भाई सीरियसली मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मस्त स्टोरी थी भाई। ओके सो इसी के साथ वीडियो आई गेस खत्म हो चुकी है। एंड अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड अगर तुम्हें ऐसी और सारी व्हाट्सएप स्टोरीज देखनी है तो तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, एंड अगर मैसेज करने जा रहे हो तो फॉलो भी कर देना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं तुम लोगों से मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय।